मुंबई से बड़ी खबर दे देते हैं। थोड़ी देर में उद्धव कैबिनेट की बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, आदित्य ठाकरे मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। मातोश्री से मंत्रालय पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है एक ऐसे वक्त में जब संकट की घड़ी है उद्धव ठाकरे के लिए। कैबिनेट की बड़ी बैठक वो करने जा रहे हैं। इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, बैठक का क्या है एजेंडा, कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, सीधे आपके पास आते हुए, एजेंडा इस कैबिनेट की बैठक क्या क्या रहने वाला है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ इसी मसले को लेकर सुनवाई हो रही हो कि फ्लोर टेस्ट करने दिया जाए या फिर नहीं करने दिया जाए। खतरे के बादल मंडराते हुए उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के ऊपर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। साहिल के पास हम चलेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे देखिए उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, वो पहुंच चुके हैं मंत्रालय। कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तमाम दूसरे नेता भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब उद्धव सरकार घिरी हुई है। राज्यपाल की ओर से फ्लोर टेस्ट की बात, वहीं सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मामला पहुंचा हुआ है। ऐसे में आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उद्धव सरकार रहेगी या फिर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएगी, फ्लोर टेस्ट क्या होगा या फिर नहीं होगा, कोर्ट की ओर से क्या फैसला दिया जाता है पूरे मामले में। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के सामने कई ऐसे सवाल हैं। फ्लोर टेस्ट का राज्यपाल का आदेश क्या वैध है, 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले फ्लोर टेस्ट क्या संभव है, अविश्वास प्रस्ताव झेल रहे डिप्टी स्पीकर फ्लोर टेस्ट क्या करा सकते हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बस कुछ ही पलों में मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले उद्धव ठाकरे 2.5 सालों से ज्यादा महाविकास अघाड़ी सरकार चला चुके हैं, लेकिन अब फूट ऐसी पड़ी शिवसेना के भीतर कि उनके ऊपर खतरे के बादल मंडराते हुए, और यही कारण है कि आज की इस कैबिनेट की बैठक से जो बातें निकलकर सामने आएंगी उससे बहुत कुछ तय हो जाएगा। उद्धव ठाकरे के बारे में खबर यह थी कि उद्धव इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन कई बार उनके इस मंशा को दरकिनार करते हुए शरद पवार की ओर से कहा गया है कि बिना लड़े आप हार नहीं मानो, आप इस्तीफा नहीं देंगे। शरद पवार की बात को मानते हुए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन सरकार बचाने की चुनौती उनके सामने, क्योंकि 39 विधायक गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं जो शिवसेना के हैं। उसके अलावा निर्दलीय विधायक भी हैं जो गोवा पहुंचेंगे। वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने विक्ट्री साइन दिखाया है। एकनाथ शिंदे जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की चिंता हमें नहीं है, हमें तो जीत हासिल होगी ही होगी, बार बार बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात उन लोगों की ओर से कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए उद्धव ठाकरे, उद्धव नहीं है इसके लिए तैयार, और इसी वजह से पार्टी में फूट, जिसके बाद अब तो शिंदे गुट के बागी विधायक खुलकर कहने लगे कि उद्धव को दे देना चाहिए इस्तीफा क्योंकि वो अल्पमत में है। लेकिन इन सब के बीच निर्दलीय विधायक राजभवन पहुंचते हैं, वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचते हैं। फ्लोर टेस्ट की मांग की जाती है, राज्यपाल की ओर से आदेश दिया जाता है, जिसके बाद दौड़े दौड़े भागे भागे से पहुंच जाते हैं उद्धव ठाकरे गुट के लोग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में क्या फैसला देगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल कायम है। हालांकि आपको बताते चले, जब इसी तरह का संकट कमलनाथ की सरकार पर पड़ा था साल 2020 में, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फ्लोर टेस्ट करने की अर्जेंसी पर बकायदा व्याख्या की गई थी, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जानने के लिए फ्लोर टेस्ट कराना बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है या फिर नहीं है। ऐसे में क्या उसी तरह का फैसला आज भी आता है या महाराष्ट्र के मामले में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कई ऐसे सवाल हैं। लेकिन कमलेश सुतार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, आवाज अगर मेरी आप तक पहुंच रही हो तो तस्वीरें सामने हैं, उद्धव ठाकरे मंत्रालय पहुंच चुके हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, क्या है आज की इस बैठक का एजेंडा जब खतरे के बादल सिर पर मंडरा रहे हैं और बचने के लिए ज्यादा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कमलेश, अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे, उसके पहले तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवसेना के बागी गुवाहाटी टू गोवा पहुंच गए हैं, मातोश्री से मंत्रालय पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कमलेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, कमलेश सुतार, सीधा सा सवाल, आज की इस बैठक का क्या है एजेंडा?
देखिए उद्धव ठाकरे के एक मंत्री और उनके करीबी अनिल परब ने कल इस बात को साफ कर दिया था कि कल फिर से कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक में औरंगाबाद शहर का संभाजी नगर नामांतर करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही साथ उस्मानाबाद का नामांतर धाराशिव किया जाएगा। कई सालों से शिवसेना बालासाहेब ठाकरे के दिनों से शिवसेना का यह एजेंडा रहा है, उसके हिंदुत्ववादी एजेंडे का यह बड़ा फोकस रहा है, औरंगाबाद को संभाजी नगर करना और उस्मानाबाद को धाराशिव करना। साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट को दीवा पाटिल वहां के स्थानीय नेता थे किसानों के, उनका नाम देना, ये तीन एजेंडा है। ये बैठक शुरू होने के पहले एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे मन बना कर आया है कि औरंगाबाद का संभाजीनगर नामांतर करेंगे, अपना हिंदुत्व का एजेंडा फिर से एक बार अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे, वही दूसरी तरफ जिनके भरोसे सरकार चल रही थी कांग्रेस और एनसीपी, जिनको लेकर बागी विधायकों का ये बगावत का झंडा उन्होंने खड़ा कर दिया है, उसी कांग्रेस एनसीपी ने एक प्री कैबिनेट बैठक की है और उनका कहना है कि हमारा इस बात को विरोध रहेगा। औरंगाबाद का संभाजीनगर नामांतर करने को कांग्रेस एनसीपी का विरोध है। अब क्या इस मुद्दे को लेकर इसी बात को अपना हिंदुत्व का मुद्दा बता कर उद्धव ठाकरे ये कहेंगे? से सवाल मेरा आपसे ये है, एक ऐसे वक्त में जब पार्टी में मुखिया बदलने की कवायद शिंदे गुट की ओर से की जा रही है, जब खुलेआम बगावत हो चुकी है, ऐसे में कुछ जगहों का नाम बदलने की कवायद करके उद्धव ठाकरे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश होगा बागी विधायकों के लिए भी और साथ ही साथ उनकी जो मांगे थी, पहली मांग उनकी थी कांग्रेस एनसीपी के साथ में उन्हें नहीं रहना है, तो इस मुद्दे को लेकर काफी जोर रहा है बागी विधायकों का। दूसरा उनका जोर था कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से हट रही है, दोनों मुद्दे एक साथ कवर करने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। एक तरह का एग्जिट प्लान उद्धव ठाकरे का हो सकता है कि देखिए मैंने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सत्ता को छोड़ दिया, ना कि आपके दबाव में आकर, लेकिन हिंदुत्व अभी हमने छोड़ा नहीं है, संभाजीनगर नामांतर करना यह हमारे हिंदुत्व के एजेंडे का एक पार्ट था, इसीलिए इस मुद्दे को लेकर हमने एनसीपी को छोड़ा है, कांग्रेस को छोड़ा है, सत्ता से हम बाहर निकल गए, अब बताइए आपका क्या कहना है, ये सवाल उद्धव ठाकरे उनसे पूछ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करेंगे। हिंदुत्व का मुद्दा मैंने छोड़ा नहीं है, उस मुद्दे को लेकर मैंने सत्ता छोड़ी है और जिस कांग्रेस एनसीपी को आप विरोध कर रहे हैं उसी कांग्रेस को एनसीपी को हमने छोड़ा है, संभाजीनगर के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो ये मैसेज देना चाहते हैं और मॉरल हाई ग्राउंड कि आपकी बगावत नहीं बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे पर मुझे सत्ता छोड़नी पड़ी।